गुजरात के सूरत में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। सूरत के कीम चौराहे पर डंपर ने 18 लोगों को कुचल दिया। सड़क के किनारे फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को डंपर ने कुचल दिया है। हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को सूरत के सीमेर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मरने वाले सभी लोग राजस्थान के कुशलगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मरने वालों में कई लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कैसे एक डंपर सड़क पर सो रहे मजदूरों के लिए काल बन गया। ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। गुजरात के सूरत का मृत्युपथ, इसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख सकते हैं। किस तरह से सड़क किनारे दौड़ती मौत ने इन सभी लोगों को रौंद दिया। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं सूरत। बलदेव सुथार हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव, ताजा जानकारी जो मिल रही है वो इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर क्या है, और ये जो डंपर चालक था क्या इसे गिरफ्तार कर लिया गया है? समीर, देखा जाए तो सूरत के कीम नजीक पे जो हाईवे है, हाईवे के करीबन 500 मीटर दूर पे ये हादसा बना हुआ है। देखते आप ये देख सकते हैं कि करीबन ये ट्रक चालक था, वो ट्रक चालक मतलब दारू के नशे में था, तब जो सामने से आ रही ट्रैक्टर को देखते ही उसने वो ट्रक का स्टेयरिंग पे काबू जो घुमाया, वैसे ही रोड पे सो रहे करीबन 20 से 25 लोगों को अटफेट में लेते ही देख सकते हैं कि अभी 15 लोगों की डेथ हो गई है और 4 लोग अभी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं सारवार के लिए। यहाँ फैमिली के लोग हैं, उसके साथ जानेंगे कि क्या पूरा है। कितने लोग थे आपके फैमिली के लोग और ये कहाँ से आए? देवधर MP से। MP से, हाँ। एक की फैमिली के कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग, हाँ। कितने उसमें बच्चे लोग के? ऐसा कोई बच्चे नहीं है, 5 सारे के थे। यहाँ सूरत क्यों आए थे वो? काम मजदूरी करने के लिए। कौन सी मजदूरी कर रहे थे? एक कड़िया काम कर रहे थे, कोई मजदूरी की करता है नहीं। दो मिस्त्री था, 3 मजदूर है। समीर, देखा जाए तो ये ट्रक आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जो ट्रक है, ट्रक ने इस बहुत स्पीड में होने के लिए ये ट्रक को आज अकस्मात हुआ है। ट्रक का करीबन 500 से 700 मीटर अंदर घुस गया, सारी दुकानों को तोड़फोड़ की गई है। और ट्रक देखा जाए तो ट्रक को भी भारी नुकसान हुआ है। अभी हाल में कीम पुलिस ने गुना रजिस्टर करके जो ट्रक चालक है, ट्रक चालक भी इजाग्रस्त होने से लिए उसको भर्ती किया गया है। और बलदेव, वजह क्या निकल कर आई है, किस वजह से यह हादसा हुआ और जो घायल हैं फिलहाल उनकी स्थिति क्या है, और या कोई प्रशासनिक अधिकारी मिलने आया कोई मदद इन लोगों के लिए? समीर, देखा जाए तो अभी जो सब लोगों को हलमा सूरत सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। करीबन 15 लोगों की जो डेथ हुई है उसमें से ये हादसा की जो बात की जाए, ये ट्रक चालक था, सामने फुल स्पीड में आ रहा था, तब सामने से आ रहे ट्रैक्टर को जो लाइट होती है, लाइट आँख में गिरने के लिए मतलब ये अपने जो स्टेयरिंग के काबू घुमाने से लिए ये फुटपाथ पर सो रहे सबको कचड़ के ये ट्रक अंदर घुस गया। अभी करीबन 15 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की डेथ हुई है। अभी जिस प्रशासन ने पूरी रात को यहाँ कामगिरी की गई है, करीबन रात को 1 बजे ये हादसा हुआ था। जी सभी जी, बलदेव, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, गुजरात के सूरत में ये बड़ा हादसा हुआ है, और बड़ा सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर कैसे सड़क किनारे इतने सारे मजदूर सो रहे थे, उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम क्यों नहीं था, और सड़क से हटाने की इन्हें कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई, क्योंकि ऐसी सड़कों पर, ऐसी व्यस्त सड़कों पर ऐसे हादसों का खतरा तो रहता ही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।